नमस्कार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं अर्गस अपडेट को स्वागत करूछि मु निवेदिता बुलेटिन पूर्वरु हेडलाइंस जाजपुर मामुबणजा मनुष्यकृत घाई मामला विधायक प्रणव बलवंतराय समेत छह जन को लोकायुक्त नोटिस लिस्ट रे प्रणव को मामू नरन जेना ना छह सप्ताह हाजर होगा नोटिस भुवनेश्वर जोधपुर अंचल जड़क उठाई नेला एनआईए गिरफ छात्र को खंडगिरी थाना अटक रखी पचरा उचरा अंतराज्य बंधुक राकेट लिग रे खोलताल करुछि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विजिलेंसल कोटिपति जंत्री आयर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग आर एंड डी डिविजन फाइव सहकारी जंत्री घरे विजिलेंस रेड शारदा गौड़ों एककालीन पांचटी घरे चढ़ाउ राज्य में 24 घंटे 1931 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन 1120 स्थानीय संक्रमण 811 खोर्धार सर्वाधिक 273 चिन्हट पुणी 13 मुंड नेला महामारी राज्य में युवती चालान राकेट्र पर्दाफाश मध्यप्रदेश उद्धार हेले मयूरभंज अंचल दुई युवती 120,000 टकरे बिक्री अभियोग तीन दलाल गिरफ गुहरी शुण हे सरकार अर्थाभ अटकी क्यासर रोगी चिकित्सा सहायता पाइव वंचित होगा वृद्धों धारणा सेपटे सरकारी सहायता जगैदे दाबी बैदेश्वर ग्रामवासी विक्षोभ नवेम्बर 5-7 तारीख जाए युक्त दुई ऑप्शनल परीक्षा कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक परीक्षा पर प्रकाश पाला कार्यसूची कोरोना पर मार्च 23-28 जाए हो परीक्षा राज्य पुलिस पक्षर 61तम शहीद दिवस पालन कोरोन शहीद होता 41 जन योद्धा को श्रद्धांजलि भुवनेश्वर में पुलिस कमिशनर जन श्रद्धांजलि मलकानगि माओवादी बर्बरता जोड़ांब निकट खजुरीगुड़ा जन गोलाकाटी हत्या कले लालवाहिनी दुईज मणातक आक्रमण एवं आज पीठे षष्ठी मंडपे पंचमी चली नवरात्रि पूजा मंडपे मां को आवाहन चली प्रस्तुति कोरोना कटक मंदिर और शक्तिपीठ से चली नवरात्रि बुलेटिन आरंभ करिबा एक बड़ खबर जाजपुर मामू भणजा मनुष्यकृत घाई मामला विधायक प्रणव बलवंतराय समेत छह जन को नोटिस करिछि लोकायुक्त लिस्ट रे प्रणव को मामू नरेन जेना को ना रहिछे छह सप्ताह रे हाजर हेबा को नोटिस करा जायछे तबे जाजपुर मामू भणजा मनुष्यकृत घाई मामला विधायक प्रणव बलवंतराय समेत छह जन को नोटिस करिछि लोकायुक्त तबे लिस्ट रे प्रणव मामू नरेन जेना उर्फ बादल जेना ना रही छह सप्ताह रे हाजर हेबा को सेमानकु नोटिस करा जायछे तबे वर्तमान समय जहाँ बड़ खबर बहु चर्चित मामू भणजा घाई मामू भणजा घाई प्रसंग जो भाव मामू भणजा चर्चा को आसते मनुष्यकृत घाई को नहीं गोटे प्रकार राजनैतिक स्वर्ग राजनीति में सरगरम देखा मिलता तेज विधायक प्रणव बलवंतराय जे रही मामू तांकु मध्य नोटिस करा जायछि अर्थात छह जन को नोटिस करा जायछि एवं जहाँ कह जा छह सप्ताह से हाजर होगापी नोटिस जारी करा जायछि मामू जे रही नरेन जेना एवं विधायक अर्थात प्रणव बलवंतराय ना सामना को आसीला और से दुई जन चर्चा को आसते एपर जहाँ कह जा कि लोकायुक्त पक्ष नोटिस तेबे अधिक आलोचना करने प्रदीप प्रधान जे रही सूचना अधिकार कर्मी से आम सहित सीधा सख जोड़ी होती आज्ञा आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करी जो भाव आप जानते लगातार भाव जहाँ मनुष्यकृत घाई को नहीं गोटे प्रकार चर्चा सृष्टि होता है वर्तमान सुधा जदिओ घाई मरामति होनी कि प्रकृत में से घाई पचर कहार हाथ नहीं गोटे सन्देह उपजुला और चर्चा को आसते मामू भणजा एवं जहाँ सूचना आसूस कि छह सप्ताह मध्य से हाजर होगापी लोकायुक्त पक्ष प्रथम कथा होते घाई भंगा कथा आसला लोकलोचन आसला सेत मनुष्यकृत डायनामाइट भांगिक उड़े दी खबर प्रसार होता है स्थानीय लोक भी अभियोग करते सर्वेश्वर बेहरा जी सूचना अधिकारी दृढ़ भाव से आसते जोटा कि आपण टीवी बाजी
ଏବଂ ଆ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଏକି ସମସ୍ତରେ କହିଥିଲେ ଏଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଘଟେଇ ଯାଇଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା କାଳେ ଖୋଲାସା ହେଇଯିବ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଗାଇକି ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଜୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ବି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଜାରାଗା ତାଙ୍କର ଏଜୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସରେ ସେଟା କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଲୋକଲୋଚନ ଲୋକଙ୍କର ସରଭ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ ତାପରେ ଏ ମ୍ୟାଟର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କରେ ନିକଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କେସ୍ କଲା ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଏ କେସ୍ରେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ପାଣି କୋଇଲି ଏଜୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆର୍ଏନ୍ଡିକି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଜାରାଗାଓ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ରା ଯିଏ ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନରେନ୍ ଜେନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଏଜୁଡି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ମାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଗାଈ ପଛରେ ବାସ୍ତବିକ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା କି ଆପଣ ଜଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ନଦୀବନ୍ଧ ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ଯୋଉଟା କହୁଛି କରପ୍ସନର ଗନ୍ତାଘର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଲୁଟ୍ କରିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏମାନେ ନଦୀବନ୍ଧ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ହାଏଷ୍ଟ ଘାଇ ଯଦି ହେଇଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା 24ଟା ଘାଇ ହେଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇକି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘାଇଟା ହେଲା ଏଇ ଘାଇଟାକୁ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଘାଇଟାକୁ ହାଣିକିରି ଉଡେଇ ଦେଲେ ଡିନାମାଇଟ୍ ମାଇକି ଉଡେଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ଆଗରୁ ମଗା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ନିର୍ମାଣର କାମ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡେଲିବରେଟଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଘାଇଟାକୁ ଉଡେଇଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମସ୍ୟା ହେଲା କଲେକ୍ଟର ବି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହେଇଛି ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବି ଏ ସମୟ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଲା ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନମଣ୍ଡ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଘାଇଟି ରହିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଘାଇଟି ରହିଛି ସେ ଘାଇରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେତେବେଳେ ଘାଇଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ୟା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ସାମାନ୍ୟ ଠିକାଦାରୀ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଯୋଉ ଘାଇଟା ହେଇଛି ସେ ଘାଇ ବହୁତ ବିବାଦାନ ଭିତରେ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଲା ସେ କଣ କରେଇ ଦେଲେନି ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇକିରି କରାଗଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଠି ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଅଡେଇବା ପାଇଁକା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଭି ଗାଡି ଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ହେଭି ଗାଡି ତା ଭିତରେ ଯିବନି ବୋଲି ମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ସେ ଜାଗା ଯଦି ଯିଏ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେଠି କୌଣସି ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ତାକୁ ଉଡେଇଦେଲେ ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ତଦନ୍ତ କିଛି ହବନି ସେଟା ଭାସିଯିବ ତେଣୁ ଅଲଟିମେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ନିଜେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ହେଲା ତଦନ୍ତ ନ ହବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଇଏ ଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କ ସମେତ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏନ୍ଆଇଏ ଗିରଫ ଛାତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ତେବେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍ରେ ଚୋର ଖୋଜୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଲିଙ୍କ୍ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଜେରା କରୁଛି ଏନ୍ଆଇଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଥିଲା
तेबे जेबले बाबे भुवनेश्वर खंडगिर जदुपुर अंचल रो जने छात्र को एनआईए उठाई नै छै एवं गिरफ छात्र को खंडगिर थाना रे अटक रखा जाय छै मध्य तबे अधिक आलोचना करबा पई हम प्रतिनिधि रोशन रथ हम सहित जोडी छेंती रोशन जेबले बाबे जा सूचना आसु छै कि छात्र को एनआईए पक्षरु उठाई निया जाय छै जो बंदूक कारबार कथा लगातार भाबे आमे आलोचना कर छेंती जा राज्य रे बे सक्रिय रहै छै आ तबे एथरु अधिक तथ्य कोन आसु छै बर्तमान एनआईए टीम खंडगिरी थाना संपुक्त छात्र को रखी पचरा उचरा कर जो आलोचना होता विभिन्न स्तर में चर्चा होता जहाँ को भी बर्तमान अटक रखा आतंकवादी लिंक अटक रखा पुलिस कमिशनर स्पष्ट कर सारी अटक रखा व्यक्ति कौन से आतंकवादी लिंक ना अं कौन मामल में तदंत करती छात्र बोली तेज निहती भाव में प्रश्न उठी जो केन्द्रीय तदंतकारी संस्था ओडिशा दु जन मेम्बर ओडिशा ओडिशा जन को उठा पचरा उचरा करी आतंकवादी नुह तेल जो संबंध में पचरा उचरा करो क्राइम लिंक रही जहां आलोचना होटे विश्वस्त सूत्र को खबर मिलू बंदूक कारबार नहीं किसी लिंक रोचे और अंत राज्य बंदूक कारबार एवं जो सक्रिय रोचे विभिन्न राज्य में बंदूक सब धरा पड़ी विशेषकर किसी दिन तले आम जब देखा ओडिशा में बिहार अंचल आखि सात आखि आखि बंदूक जबत होता क्राइम ब्रांच सब जबत करता दु जन को गिरफ्त करता तेणु जहां सूचना वर्तमान जे बंदूक कारबार लिंक में ना सामना को आसला किपुर सुराग मिलता एनआईए हाथ में वर्तमान एनआईए ही पचराउचरा कर बर्तमान तो एनआईए रु जनिया टीम खंडगिरी थाना बाहरी जाती किंतु संपुक्त छात्र जनक वर्तमान खंडगिरी थाना भितर अच्छा तेज बर्तमान अटक रखा जाना गिरफ्त करने नहीं बर्तमान पुलिस पक्ष कौन सूचना दि जाई पार ना कि गोटे कथा स्पष्ट हो अटक रखा जा छात्र जनकर कौन आतंकवादी कार्यकलाप लिंक ना अनुमान कर बंदूक कारबारे लिंक थे जहां को नहीं एनआईए बर्तमान खोलताल आरंभ करा तेरे पुलिस पक्ष स्पष्ट सूचना दिगला पर जा जनापड़ी बस्तव में संपुक्त छात्र जनकर क्यों क्राइम लिंक था एवं क्यों क्राइम क्यों लिंक को नहीं कि एनआईए खंडगिरी थाना रखी पचरा उचरा कर निहती भाव में तेज जहाँ आप कहते सका सतटू बर्तमान सुधा पुलिस जेरा करे तदंत करवर्ती मुहूर्त में जमापड़ वास्तविक क्यों कारण रही आतंकवादी लिंक रही नहीं स्पष्ट हो बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपण सूचना। पोखरी गाधोवा समय असावधानता जो दुई भौणी को मृत्यु हो गंजाम जिला खलिकोट थाना तुलसीपुर गाँव में अभावनीय घटना खबर पाई परिवार लोके स्थानीय बासिंदा घटनास्थल में पहुंची उभय मृतदेह को उद्धार कर मृतक दुई भौणी हेले सही गाँव सुरेश पाहन आठ वर्षर झील खुशी पाहन और दस वर्षर झील पूजा पाहा पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी तीर माड़े जनक मृत्यु होली घटना घटी मयूरभंज जिला गोरु महिषाणी थाना अंचल कुकुड़ीमुंडी गाँव में समरा देहरी निज घर बाहर छिड़ा होता बेले से ही गाँव छोटराय देहरी अचानक तीर माड़ कर गुरुतर अवस्था पर लोके समरा को उद्धार कर रायरंगपुर हस्पिटाल आनी डाक्तर सेठे मृत घोषणा करते अभियुक्त छोटराय देहरी घटनास्थल फेरार हो जंगल में लुचि रही बेले पुलिस अभियुक्त को धरवा नहीं चेष्टा चल तापर मुझे ठिया आई थी हाथी उलुछन ना हाथी उलुछन ना बिल गात जगुछन ना कर बिल जगी दोछन ना देखी देवा टिके खेदी देवा एई रात एकटा हो गला आके डेडर रही गला नी विजिलेंस सेलरे कोटिपति जंत्री आर एंड बी डिविजन फाइव सहकारी जंत्री घरे आज विजिलेंस चढ़ऊ कर सहकारी जंत्री शारदा प्रसाद गौड़ों घरे विजिलेंस चढ़ऊ कर आर बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में मोट पांच स्थान में चढ़ऊ कर भुवनेश्वर विजिलेंस अतिरिक्त तो एसपी नेतृत्व में यह चढ़ऊ कर गौड़ों कार्यालय समेत भुवनेश्वर घरे चढ़ऊ कर गंजाम स्थित पैतृक घर और ससुर घरे विजिलेंस चढ़ऊ जारी रखी
आसीबा कोरोना संपर्कित खबर को राज्य रे आजि 1931 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ती आकु मिसाई राज्य रे मोट कोरोना संक्रमितक संख्या 2,74,181 रे पहुंचे छे आजि चिन्हट होइतिबा संक्रमितक मध्यरु 1,120 जण संक्रमितरु रहितबा बेले 811 जण स्थानीय बासिंदा रहिछन्ती सेपरि राज्य रे पूणी 13 मुंड नैछि महामारी आसिबा परवर्ती खबर को बलांगीर केंद्र समवाय बैंक रे 1.5 कोटी टंकार दुर्नीति ए दुर्नीति पछरे केंद्र समवाय बैंक रो पूर्वतन सभापति ओ पूर्वतन निर्देशकक हात रहितबा अभिजोग होइछे विधानसभा गृह कमिटी रो स्वतंत्र ऑडिटरे मध्य दुर्नीति होइतबा नै उल्लेख रहिछे तनु दोषीक विरुद्ध रे तुरंत फौजदारी मामला रुजु करी गिरफ करबा पई मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे बलांगीर जिलापाल को दाबी पत्र देइछे बलांगीर जिला कांग्रेस सेवा दल मयूरभंज रे युवती चालाण राकेट रो पर्दाफाश चाकरी देवा को कही युवती को बिक्री करितबा अभिजोग रे तीन दलाल को गिरफ करिछि पुलिस 1,20,000 टंका रे दुई युवती को बिक्री करा जाइतबा अभिजोग होइछि निभा रायरंगपुर अंचल रो दुई जण युवती को मध्य प्रदेश रो उद्धार करिछि पुलिस गत सेप्टेम्बर 16 रे जणे दलाल दुई जण युवती को रालकला स्टील प्लांट रे मोटा अंकर दरमार काम कराइबार प्रलोभन देखाइथिले परे दु युवती को झारखंड राज्य टाटा रेलवे स्टेशन रु दिल्ली को ट्रेन चोके नहीं थिले परे दिल्ली रु मध्यप्रदेश सेवपुर सहर को नहीं राकेट रो मास्टरमाइंड महिला को हस्तांतर करथिले महिला जनक युवती को 1,20,000 टंका रे बिक्री करथिबा अभिजोग होइछे रायरंगपुर ग्रामांचल पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग जरिया रे मध्यप्रदेश सेवपुर अंचल रु युवती को उद्धार करछे मध्यप्रदेश से तीन दलाल पूर्वर ओडिशा झारखंड पश्चिमबंग एवं छत्तीसगढ़ अंचल 20 जन युवती को मध्यप्रदेश में बिक्री करथिबार स्वीकार करिछन्ते दीपक बोली ना बारिपदार परिचय देला हमको नौकरी देव बोल कि राहुलकेला राहुलकेला नहीं जीव बोल कि हमको बारिपदार नहीं कि रखिता बारिपदार टाटा नहीं गला टाटा रु देखी न्यू दिल्ली रु दुई तीन स्टेशन नहीं कि छाड़ी कि हमको रखी से भद्रक पुणा बजार थाना उत्तर बाहरी पुणा बजार को आसुवा एक कोईला बोझे अटो को जबत करी पुणा बजार पुलिस गतका विलंबित राति में कोईला अटो नहीं उत्तर बाहरी आड़ पुणा बजार को आसुवा बेले पुणा बजार पुलिस अटोटी को जबत करी अनेपटे अटोर ड्राइवर और कोईला मफिया फेरार हो जा सूचना मिली पुलिस अटोटी को जबत करी ताम्ध 15 कोईला बस्ता जबत करी चोरा कोईलार आनुमानिक मूल्य 20,000 होगी सूचना दे पुणा बजार पुलिस तबे बिहार रे राजनैतिक माहौल किभळी नैछि रहिछि अधिक आलोचना करबा पई सीधा सळक बिहार रे हम प्रतिनिधि इमरान खान हम सहित अछंती तबे इमरान बिहार रो स्थिति कोन कहउछि राजनैतिक माहौल किभळी रहिछि बिहार रे देखु निवेदित वर्तमान बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकिन सरगरम हो उठी बिहार राजनैतिक माहौल एवं प्रचार मैदान को ओल्लै सब दलर हेवी वेट नेता मैंने बीजेपी तरफ केन्द्र मंत्री मैंने जितकी जो मैं स्टार प्रचारक भाव जो ना सामिल करतमान हेवी वेट ओल्लैकी निजर प्रार्थी बर्तमान प्रचार करें सीधा सड़क बिहार पटना जो रही विकास विधानसभा निर्वाचन से उपस्थित अच्छी दृश्य बर्तमान देखुवे ये आज किसी समय पर जो विकास विधानसभा निर्वाचन मंडली जो बीजेपी प्रार्थी रही अतुल कुमार प्रचार मैदान को एटी आसवे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज किसी समय पर आसिक पहुंचे से सभा पूरा पूरी भाव में प्रस्तुत हो उठी आम सहित स्थानीय नेता अच्छा सहित सीधा तरह आलोचना करवा बर्तमान जो चुनाव चल रही है किस तरह से माहौल बर्तमान है और बीजेपी किस तरह से लोगों के बीच जा रही है बर्तमान
देखिए जो एनडीए की सरकार यहाँ चली है बिहार में, वो नीतीश कुमार जी एक विकास के पर्याय हैं और उनको पूरा आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो राजनीति की दिशा बदली, जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर विकासवाद को नारा दिया और वह सफल है। आज यहाँ पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने का एक माहौल है। आज यहाँ जो इंटर कॉलेज के इस मैदान पर जो अभी सभा होनी है धर्मेंद्र प्रधान जी सम्राट चौधरी जी का, इसमें जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार का जुनून, जिस प्रकार से उत्साह से लोग आ रहे हैं, ये निश्चित है कि यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है और विक्रम से भी अतुल कुमार चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से बिहार में विपक्षी जो हैं प्रचार कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं, तो विपक्षियों को जवाब देने के लिए क्या है बीजेपी के पास फॉर्मूला? देखिए विपक्षियों के पास कोई सवाल ही नहीं है, केवल उलझुल। और बीजेपी के पास, एनडीए के पास विकास एक बड़ा मुद्दा है और विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास दिख भी रहा है बिहार में, क्या पूरे देश में उसका असर बिहार के चुनाव पे भी है और बिहार में जरूर एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदित। आपड़ शुणुले जो एठिकार स्थानीय बीजेपी नेता सब अच्छे से आसिक उपस्थित होते जेहेतु आउ कि समय पर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसिक सभा में पहुंचे जो विकास विधानसभा निर्वाचन मंडल बीजेपी प्रार्थी रही अतुल कुमार से प्रचार करेंगे एथपाई पूरापूरी भाव में सभा प्रस्तुत अच्छी मुझे देखे दृश्य एटी जेहेतु बर्तमान धीरे धीरे स्थानीय लोक अच्छा से आसिक पहुंचुंव सभार ये पूरापूरी भाव में प्रस्तुत बर्तमान कर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित एठाकार जो रही विधान परिषद सदस्य जी रही सम्राट चौधरी से आसिक किसी समय पर पहुंचे जो तक प्रार्थी भोट मागे और ये देखुए जेहतु कोरोना कटक समस्ते मास्क पिंधिंटार जो आ स्थानीय युवक अच्छा स्थानीय महिला अच्छा समस्त आसिक पहुंचे आम सहित आरोप किसी स्थानीय नेता अच्छा सीधा सड़क आलोचना करवा जी आप कुछ समय के बाद केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आने वाले हैं, सम्राट चौधरी जी आएंगे, आपके जो प्रार्थी यहाँ के हैं अतुल कुमार जी उनके लिए प्रचार मतलब प्रचार करेंगे, तो क्या है मुद्दे आपके क्या रहेंगे बीजेपी के लिए इस बार किसकी सरकार के लिए मतलब क्या अहम फोकस क्या है आपका? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्लियर है, हमने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से हमेशा कहा है हमारा मुद्दा विकास है, अगर तुम्हारे पास दम है तो विकास के मुद्दे को लेकर करके जनता के बीच जनमानस के बीच जाओ और तब चुनाव लड़कर देखो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नीतीश जी और एनडीए गठबंधन की सरकार ने विकास का काम किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकास का काम किया है, कोई ऐसा घर में कोई ऐसा किसान नहीं कि जिसके घरों तक हम सम्मान राशि योजना पहुँचाने का काम नहीं किया, नल जल योजना के माध्यम से लोगों तक जल पहुंचाने का काम किया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, कन्या विवाह योजना हमारे के यहाँ जो भी हमारी कन्याएं हैं उसकी 18 साल 21 साल उम्र होने के बाद उसके लिए कन्या विवाह योजना का हमने व्यवस्था बनाया है, अटल पेंशन योजना जो बेचारा वृद्ध है जिसके पास पैसे नहीं है अटल पेंशन योजना के माध्यम से वो जुड़ जाए और उसे जीवन भर जब तक वो रहेगा उसे पेंशन के रूप में एक राशि दी जाएगी, अटल पेंशन योजना के माध्यम से हम उसको विकास का काम कर रहे हैं, अनेकों ऐसी योजना विकास का चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव-गांव को हमने सड़कों से जोड़ने का काम किया, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया है, ऐसे अनेकों मुद्दा हमारे हैं जिस मुद्दा के आधार पर हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से हमारी यहाँ सरकार बनने जा रही है और विक्रम विधानसभा में हम अतुल जी को भी भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। प्रार्थी जी अतुल कुमार से पहुंचे जो धीरे धीरे समर्थक स्थानीय महिला जो मैंने युवक मैंने अच्छा समस्त मन गोटे उत्साह रही गोटे निर्वाचन को लेकिन जेहे हूँ आम गणतंत्र सब महापर्व कि कोरोना कटक बर्तमान निर्वाचन हम बिहार विधानसभा निर्वाचन 243 आसन बर्तमान निर्वाचन हाँ जाए सरगरम हो माहौल किसी समय पर प्रधान पहुंचे और जी प्रार्थी अतुल कुमार से बहुत बहुत धन्यवाद सूचना तबे जहाँ आपण मैंने सीधा सड़क देखुं बिहार चित्र बिहार में अर्गस न्यूज बिहार में पहुंची सेठे किभली राजनैतिक माहौल रही अधिक सूचना देउथिले आम प्रतिनिधि इमरान खान।
समय सरी बुलेटिन को अधिक खबर देखु अर्गस न्यूज नमस्कार।